जनपद के रेलवे क्रॉसिंग स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर पर हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एक माह में किए गए संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ ही अगले एक महीने के कार्यों की कार्य योजना बनाई। संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जनपद के भ्रष्ट अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में सरकार के मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को हिदायत देने के बाद भी सरकार को बदनाम करने की नियत से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसे एक सप्ताह के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर प्रेषित किया जाएगा। अब किसी भी हाल में जनपद में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आम जनमानस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी तमाम अधिकारियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए लगातार जनपद सुरक्षा अधिकारियों को भी हम लोग अवगत कराते रहे कि यहाँ यहाँ फलाने फलाने जगह आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन जनपद के शीर्ष अधिकारी भी कहीं ना कहीं कान बंद करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ी और सरकार के प्रति नकारात्मक संदेश आम जनमानस में जा रहा, जबकि पूज्य योगी जी की सरकार लगातार आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है, आम जनमानस को योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन ये अधिकारियों में सुधार न होने के कारण हम लोगों को मैंने मजबूरन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भी विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से तथ्य के साथ वो सारे बिंदु जो है रखे गए हैं और वो सारे बिंदु तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे जाएंगे और जो भी सरकार को लगेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। आज बैठक थी जिले कार्य समिति की बैठक, पूरे महीने भर में संगठन के द्वारा हम लोग समीक्षा करते हैं क्या क्या कार्य हुआ। हमारे जनपद के भ्रष्टाचारी कौन कौन अधिकारी हैं जो सरकार के विरोध में कार्य कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, इसकी हम लोगों की हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पूरी रिपोर्ट तैयार करके अपने जनपद के भ्रष्ट अधिकारी पुलिस विभाग और राजस्व के कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देंगे। इसी के संदर्भ में हमेशा हमारी मासिक बैठक हुआ करती है, समय समय पर अपनी हम रिपोर्ट संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। इसी संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। किन किन अधिकारियों का नाम। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।